हेलो हेलो सर जी, नमस्ते। मैं नमस्ते जी। कटक से बोल रहा हूँ सर अभिषेक। सुबह जी आपको मैसेज किया था ना, वो यूरिन में बर्निंग सेंसेशन के लिए। अच्छा। मैंने एक बार बात नहीं हो पा रही थी, तो मैं सोचा आज भी एक दिन हाइड्रेशन का कर लूँ क्या, और मैंने 2 डेज कंटिन्यूस। नहीं, हाइड्रेशन करने का जरूरत नहीं है, डिहाइड्रेट कर लीजिए। अच्छा, यूरिन कलर कैसे आ रहा है? कलर ऐसा है कि पानी पीने के बाद में जो यूरिन होता है वो तो व्हाइट होता है, और बाकी गैप के अंदर में जो होता है उसमें येलोइश कलर रहता है। सुबह येलोइश बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा होता है। उठता हूँ उसमें काफी ज्यादा येलोइश रहता है, और ऐसे मान लीजिए जैसे आफ्टरनून मील के साथ में पानी लिया तो अब शाम तक एक बार यूरिन होता है तब येलो रहता है। आपका वेट 70 के आसपास है हाँ, अब तो और कुछ कम नहीं 70 हुआ हो तब गया। से? नहीं, सर 72.3 दिखा रहा था, 70 आ गया। अभी तो बर्निंग हमेशा पूरे दिन हो रही है? परसों तो एक आध बार हो रही थी, कल 3-4 बार, क्योंकि हाइड्रेट किया था 3-4 बार जब किया हुआ, आज सुबह से 2-3 बार जब भी किया तो बर्निंग सीवियर है, थोड़ा सा लाइट है? थी। एकदम सीवियर तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि बियरेबल नहीं है, बट है, एक सेंसेशन है, एक अनइजीनेस है यूरिन पास और होने यूरिन करते हुए होता है या में। वैसे खाली भी करते वक्त सर, खाली सिर्फ करते खाली? वक्त। नहीं, कोई बात नहीं, उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब आप दूसरे मतलब रूटीन पर आ जाइए, कोई भी 3 या 6 गिलास वाले पानी पर आ जाइए। 1 गिलास खाने से पहले ले लीजिए, 1 घंटा पहले, और 1 गिलास खाने के साथ ले लीजिए। अच्छा, 6 ग्लास वाला कर लूँ क्या? हाँ, 6 या 3 का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका बर्निंग जो छोटा मोटा होता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओके, क्या रीजन होगा सर? अभी जैसे करीब 20 दिन हो गए, बट अब जाके ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ भी आपके बॉडी में मिनरल्स जो होते हैं वो इम्बेलेंस होता है तो वो निकल जाता है। धीरे धीरे बैलेंस बनता है ना, तो जो भी अगर ज्यादा कुछ निकलेगा तो थोड़ा सा बर्निंग कर देता है। सीवियर और पूरा दिन होने का तो अलग रीजन होता है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है। बट अगर आपका सीवियर नहीं है और सिर्फ यूरिन करते हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन में, 1-2 दिन या 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। सर, एक चीज आपसे और पूछनी थी, जैसे कि अपने जो एकदम स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन कर रहे हैं, अभी 8 या 9 बजे हुआ ब्रेकफास्ट की, 9:30, तो फिर 2:30-3 बजे खाना खाए, फिर रात में 8-8:30 बजे खाए, तो ऐसे ही मेरी डाइट कम है, तो मैं तो जो कभी आप थोड़ा बहुत फ्रूट फ्रूट चाहिए वो ले लिया करता था, तो टोटल मेरा बंद ही हो गया सर, अब 20 दिन कोई हो बात नहीं, गया। शुरू कर दीजिएगा। 20 दिन से तो आपको शायद ज्यादा हो गया, आपने 23-24 तारीख को लास्ट को किया था ना, हाँ, तो 28 दिन, 24 से स्टार्ट किया हाँ 24-25 दिन था हो गया ना। तो आपका एसिडिटी से कितना रिलीफ हुआ अभी? सर। एसिडिटी से फायदा है, लेकिन बहुत टिपिकल चीजें होती है, जैसे कि कल थोड़ा सा मेरे को हल्का वीकनेस लग रहा था क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी, तो मैं एक वो चॉकलेट ले लिया था आफ्टर लंच, बट वो इतना इरिटेशन क्रिएट किया मेरे स्टमक में कि मैंने थोड़ा देर के बाद में बल्जिंग होने लग गया, और होने लग गया, शाम तक भी पूरी अनइजीनेस बनी रही, तो मैं ऑलमोस्ट नो फूड पे ही रहा फिर, कि इसको निकल जाने दो। क्या अच्छा, है, तो ये तो अभी स्वीट भी आपका से खाना बिल्कुल इश्यू नहीं बढ़ रहा? नहीं सर, इंटेक बढ़ाते ही सर बड़ा दिक्कत हो जाता है सर, फिर वो क्या है, वो कभी इच्छा करता है थोड़ा अजवाइन फांक लूं या कुछ कर लूं, माने वो अनइजीनेस रहता है, काम करने में मन नहीं लग रहा बिल्कुल, फिर कि भी 6 घंटे बाद खाना है, थोड़ा और भरपेट करके खा लूं, वो नहीं हो रहा पर सर। पहले से इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा? सर कोई हार्डली 10-15% हुआ है, एक बार बीच में 2-3 दिन के लिए हुआ था सेकेंड वीक में, जैसे कि इंक्रीमेंट हो गया था थोड़ा सा डाइट, टिफिन में भी मैंने घर पे बोला था कि 2 की जगह 3 रोटी दो, बट 2-3 दिन के बाद में सर वापिस वही हो गया। कोई बात नहीं, आपका अब बीच में कुछ कह रहे थे, मैंने कुछ और बोल दिया था। जी सर, यही बोल रहा था कि एक्चुअली मैंने बहुत सालों से मैं परेशान हूँ इससे, कोई मेरे को लगता नहीं ऐसा इलाज बाकी होगा जो मैंने नहीं किया होगा, योगा के अंदर में वो जो पानी पी के कुंजल करना, नौली, ये वो सब भी कर लिया, वो पेटों पे पट्टिया बांधना करना, होम्योपैथी ट्राई कर लिया, एलोपैथी हो गया, लेकिन
मतलब ये इससे करेक्शन होने में क्या तो हो सकता है, पुराना हो बोल के टाइम लगे। हाँ, अगर आप काफी कुछ कर चुके हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट हो जाता है धीरे धीरे करके, पूरा ही ठीक हो जाता है। मे टेक अप टू 6 months ऑल्सो, अगर बहुत सीवियर केस होगा तो 6 महीने भी लग जाते हैं, पर इसमें हो जाता है। इसमें कोई डिहाइड्रेशन वगैरह ये वो होने का कोई ऐसा, मैंने डिहाइड्रेशन इन द सेंस कोई तबियत वगैरह बिगड़ने करने की तो कोई नहीं, आपके सामने में ऐसा कोई केस नहीं आया ना? बिकॉज घर में कभी कभी लोग चिंता करने लग जाते हैं कि तुम क्या गाइडेंस ले रहे हो ये वो। नहीं नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी एनर्जी लो वगैरह का तो कंप्लेंट आता रहेगा, क्योंकि आपके बॉडी में बहुत से सिस्टम्स होते हैं तो कुछ ऑन ऑफ होते रहेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, तो कभी कभी एनर्जी लो लगता रहेगा, बट एज सच कुछ नहीं आता, दिक्कत कोई नहीं आती है। आप वॉक एंड रेस्ट तो मेंटेन कर रहे हैं ना? वॉक एंड रेस्ट सर आज सुबह कर चुका हूँ 6 राउंड। कोई एक दिन मिस हो जाता है, कभी कोई ऑफिस में बहुत लेट हो जाती है तो मैं ऑफिस में स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, मैं खड़ा होकर 5 मिनट चल लेता हूँ, इधर उधर टहल के फिर आके चेयर पे 5 मिनट बैठ जाता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे करके मेंटेन करना। मेरे को लगता है 5,000 से लगभग 6,000-7,000 स्टेप तक तो आ गया हूँ मैं। ओके, ठीक है, बस इतना ही मेंटेन करना है, 6,000-8,000 तक, बस इससे ज्यादा नहीं करना है। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं, करना भी नहीं है वो, अभी जब तक एनर्जी लेवल बहुत हाई नहीं हो जाए तब तक 2-4 महीने तक तो इससे ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा करने से भी दिक्कत आ सकती है। तो अगर कभी वैसी दिक्कत आए तो थोड़ा सा 5 पर दोबारा जा सकते हैं, 5,000 पर इसको भी, आप वॉक एंड रेस्ट को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज और था, जो 3 ग्लास वाला है उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके 4-4.5 ग्लास या कभी 5 पे लाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में पर आप लेंगे तो पहले या खाने के साथ में? हाँ, ये खाने के बाद तो चेहरा एकदम पानी में देख रहा हूँ, मेरे को तो एकदम सूट नहीं कर रहा। अब समझ में आ रहा है जाके कि खाने के आधा घंटा बाद भी जो पहले पानी पीते थे कि खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए, अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ जिस दिन खास करके हाइड्रेशन करना हो, मैं देखा अगर खाने के 1.25 घंटा बाद पानी पीता हूँ तो अनइजीनेस बढ़ा देती है तुरंत मेरी। तो मैं तो अभी सिस्टम ही कर लिया, भले ही 3 ग्लास पानी हाइड्रेशन के टाइम पे भी खाने के पहले ले लूंगा, लेकिन खाने के 2-3 घंटा बाद तो बिल्कुल पानी नहीं लूंगा। हाँ, बस वो ठीक है, वो धीरे धीरे होता जाएगा, ठीक हो जाएगा, करेक्शन होगा ना सर? बिल्कुल। एक दो चीज पूछूं, एक्चुअली में एक दो जन को रिकमेंड करना था आपके लिए, तो उनका एक दो क्वेरी था, तो मैं बोला मैं पर्सनली बात करके बोलूंगा। जैसे सर आपने कितना टाइम से लोगों के ऊपर हम लोग ये ट्राई किए हैं ये वाला प्रोसेस जो है? देखिए, यूट्यूब चैनल कहें या कोरा कहें, तो कोरा तो चल रहा है करीब करीब 4-5 साल से चल रहा है। और बाकी यूट्यूब चैनल पर भी जो फीडबैक वाला सिस्टम है और जो अपलोड करने का सिस्टम है वो भी चल रहा है करीब करीब 2 साल से मेरे ख्याल से चल रहा है वो भी सीरियसली। तो लोगों को रिजल्ट इसमें मिलता है। इसमें थोड़ा सा पहले गड़बड़ ये था कि बीच में 2-3 साल के लिए था कि सिर्फ खाने के साथ ही पीना है, खाने से पहले नहीं था, वो बंद कर दिया था। उसकी वजह से कुछ बोन्स के इश्यू आ जाते थे, तो वो फिर मॉडिफाई कर दिया अभी 3 साल से कि खाने के पहले भी कभी, अभी जैसे खाने के पहले भी कर दिया है। तो जैसे जैसे थोड़ा सा फीडबैक आता है, खुद भी पर्सनल भी मैं वही फॉलो करता हूँ, तो थोड़ा सा खुद भी पता चल जाता है, तो उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, पर एज सच लॉन्ग रन में नहीं आता, क्योंकि मैं अगर मान लीजिए कोई भी चीज बता रहा हूँ तो मैं उससे कम से कम 2-3 साल पहले से कर रहा हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम आना होता है तो मुझे कम से कम अपने ऊपर पता चल जाता है, तो मैं उसको फिर करेक्ट कर लेता हूँ। ओके सर, वैसे भी इन जनरल हम लोग जैसे जैनिज्म फॉलो करते थे तो हम लोग के यहाँ तो रेस्ट्रिक्टेड डाइट और लिमिटेड डाइट और लिमिटेड टाइम करने के लिए बोलते ही थे। पहले मैं फॉलो करता था, जब ये थोड़ा एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम बढ़ गया, ये डॉक्टर वगैरह के चक्कर में पड़ गया ना, 3-3 घंटे से खाओ, 4-4 घंटे से खाओ, उससे सिस्टम धीरे धीरे एकदम पूरा, क्या बोलूं आपको, सिस्टम शरीर का पूरा बैठ गया है मेरा। मैंने कोई भी चीज खाने को देखने से डर लगता है कि इसको खाऊं कि नहीं खाऊं, अंदर जाके ये हजम होगा कि नहीं, कि उल्टी हो जाएगा, कि डायरिया हो जाएगा, ये दवाइयां ले लेंगे सर, हालत खराब हो गई है एकदम। कंप्लीट मेडिकेशन कैसे छूटे मैं उसके पीछे लगा हुआ। अभी आप ले रहे हैं मेडिसिन? सर बीच बीच में एक आध दिन कभी अचानक से, देखिए जैसे 2-3 बजे खाना खाए, अभी 4-5 दिन नीचे की बात बोल रहा हूँ आपको,
5-5:30 बजे जो है अचानक से इतना ब्लोटिंग होकर और हेडेक होने लग गया, एकदम वो माइग्रेन का पेन आ गया। अच्छा अच्छा। अब उस समय से कुछ ऑप्शन ही नहीं है, शॉप को छोड़ के कहाँ से आऊँ। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कभी कभी 4-5 दिन में या हफ्ते में एक दो बार ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे छूट जाएगा। धीरे धीरे छूट जाएगा सर, मेरे को लगता है। एक चीज पॉजिटिव आपको बोलना चाहूंगा, बाम का यूज मेरा जो है वो अब प्राय नील हो गया है, अभी गए 25 दिन में। अदरवाइज आई यूज टू कैरी एक बाम का शीशी हमेशा अपने पॉकेट में, सर दर्द के लिए। सर दर्द हो जाए, गैस हो जाता है कि थोड़ा पेट पे लगा लूं, थोड़ा नाक से लंबा टान लूं या सर दर्द जैसा, वो उसका यूज मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट सर नील हो गया, ऑलमोस्ट नील हो गया। अभी मैं ऑफिस जाते हुए नहीं भी कैरी करो तो मैं डर नहीं है, नहीं तो मेरे मन में डर रहता था कि रास्ते में कहीं बाम खरीद के पॉकेट में रख लो। नहीं नहीं, वो तो ठीक हो मतलब वो तो परमानेंटली हो जाएगा। इसमें सर दर्द एकदम परमानेंटली ठीक हो जाता है, माइग्रेन भी ठीक हो जाता है। अच्छा, ये चीज का रिलेशन है क्या सर, खाना क्वांटिटी ज्यादा खा लिए तो उससे जब गैस वैस बनता है तो फिर सर दुखने लग जाता है? देखिये, जो हमारे स्टमक में एसिड्स बनता है ना, जैसे जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म लो होता रहता है, हम ये जो मेडिसिन होती है एसिडिटी की, ये और कम करती है उसको, एसिड्स को कम बनाती है। तो जैसे जैसे एसिड कम होता रहता है फिर हमारे ओवरऑल लिमिट हो जाता है कि अब उससे ज्यादा खाएंगे तो एसिड तो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं। और खासकर जब आप बहुत लंबे टाइम के लिए कर चुके होते हैं ना, अब जैसे मैं बताऊं, मैंने भी बीच में ना वेट के लिए एक बार, मैंने कहा सभी लोग बोलते हैं खाना कम करने से वेट कम हो जाता है, तो खाना कम करके देखते हैं। खाना मैंने करीब 3 महीने कम किया होगा, पर फिर उसके बाद समझ में आ गया कि इससे बहुत सी दिक्कतें होती है, वीकनेस हो जाती है, परमानेंटली गड़बड़ होने लगती है, तो मैंने बढ़ाने की कोशिश करी। तो मेरा भी यही हाल हो गया था कि खाना मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने मैंने कम किया था, तो ऑलमोस्ट 3 महीने लग गए फिर दोबारा नॉर्मल पर आते हुए। 3 महीने लग गए? हाँ, ओके। फिर वो खाना जाता ही नहीं था। तो अगर बहुत लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे सॉल्व होता है, पर हो जाता है, परमानेंटली हो जाता है। ओके, ओके। अभी जो मैं पहले खाता था उससे ऑलमोस्ट नॉर्मल से अगर कोई टेस्टी चीज लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो डबल और ट्रिपल तक भी खा जाता हूँ, तो अब नॉर्मल से भी बढ़िया हो गया है। तो लॉन्ग रन में तो एकदम ठीक हो जाता है, पर शॉर्ट रन में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, देखना पड़ता है कि थोड़ा सा ज्यादा नहीं खाए, धीरे धीरे करके बढ़ाए। और एक क्वेश्चन सर, लास्ट टाइम तो ले रहा हूँ आपका। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे कोई कोई दिन ब्रेकफास्ट अभी जैसे 9:30-10 बज गया तो 4-5 बजे अगर मैं डिनर कर लूं और उसके बाद मैं फुल फास्टिंग रख के नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करूं, तो इससे बेटर रहेगा कि खराब होगा, मैंने जो शेड्यूल अभी अपना चल रहा है? नहीं नहीं, वो ठीक रहेगा। उससे आपका क्या रहता है कि जैसे डाइजेशन तो आपका स्लो है ही, तो अगर आप ज्यादा टाइम देते हैं तो वो आप जितनी बार खाना खाएंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा, तो उतना एनर्जी यूज होगा। तो अगर आप इस तरीके से दिन में 2 बार ही खाते हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन करते हैं, तो वो बहुत बढ़िया रहता है, उससे आपका जो एनर्जी सेव्ड होती है, क्योंकि डाइजेशन बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है, तो वो एनर्जी जो आप सेव करेंगे वो आपके बाकी के 2 टाइम खाने में हेल्प करेगा, तो वो डाइजेशन बेटर होगा उससे। तो हफ्ते में 1-2 दिन 2 टाइम से डे वाला परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई दिक्कत नहीं है उसमें? नहीं नहीं, पर रोज नहीं, मतलब लॉन्ग रन के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूअसली 4-5 दिन हफ्ते के लिए भी कर लेते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, पर परमानेंटली नहीं करना चाहिए। परमानेंटली नहीं करना आपने? ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी है, 20-25 दिन हो गया आज करते हुए, तो पहले सोच नहीं सकता था 8-10 घंटे भूखे रहने का। अभी वो हिम्मत तो थोड़ी सी बनी है, इसलिए मैं बोला ठीक है जाने दो, फिर वीक में 1-2 दिन थोड़ा 16 आवर्स फास्टिंग तक करके देखता हूँ। ठीक है सर जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर द ऑल हेल्प। थैंक यू।